यो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। सो गाइस, आज जा रहे हैं हम लोग साइकिलिंग करने। अचानक से प्लान बना और प्लान की खास बात यह है कि इस समय बज रहे हैं 9, सुबह जाना था, सुबह हो नहीं पाया और इस समय हम जा रहे हैं। और आज हमारे साथ जा रहे हैं दिवांश। दिवांश और मैं जा रहे हैं साइकिलिंग करने और हमने नाश्ता भी बिल्कुल नहीं करा, तो बाहर ही जाएंगे, बाहर ही नाश्ता करेंगे। सो लेट्स गो। अभी बिल्कुल स्टार्ट ही किया था जाना और थोड़ी देर के अंदर ही हमारी साइकिल की चेन निकल गई और अभी ब्रेक भी टूट गया आगे का। पता नहीं कैसे, मैंने अभी सर्विसिंग कराई थी कुछ दिनों पहले, पर ब्रेक भी टूट गया और चेन भी निकल गई। सही हो जाएगा ये? नहीं होगा यार। चल कोई नहीं, दूसरा वाला है उसी में चलते। भाई ये दूसरी बार हमारी चेन निकल चुकी है। अभी मतलब हमने सफर शुरू किया है, पहली बार निकली तब इतनी दिक्कत हो गई, अभी दूसरी बार निकली फिर दिक्कत हो गई है। भाई लग नहीं रहा आज हम पहुंचेंगे, इतने बार हमारी चेन निकल गई, हमें जाना रानी बात तक है। पहुंचेंगे क्या दिवांश? पहुंचना ही पड़ेगा, अब कैसे करके जाएंगे भाई, हमें खाना भी खाना है। इतनी तुम क्यों कर रहे हैं दीपूदा? देखो क्या लगता है ना, मेरी ऊपर जाने में फटेगी क्योंकि तेरे पास है गियर वाली और मेरी है ऑर्डिनरी। चढ़ा देंगे लेकिन देखते हैं, थकान नहीं लग रही लेकिन ऊपर जाने में थोड़ी होगी दिक्कत क्योंकि ऑर्डिनरी में थोड़ी जान ज्यादा लगेगी, लेकिन चढ़ाएंगे जरूर ब्रो। खाना है भाई, नाश्ता नहीं किया है, बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए जाना है हमें, भले ही कुछ भी हो जाए जाना हमें खाने के लिए है। और आज हम साइकिलिंग भी करेंगे और खा के भी आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने बार भी चेन क्यों ना निकल जाए। ओके फाइनली इतना चलने के बाद हम पहुंच गए। अभी रास्ते में 5 से 6 बार कम से कम मेरी चेन निकली, तुम मेरे हाथ देख ही सकते हो कितने गंदे हो गए। 5 से 6 बार मेरे को लगा 3 ही 1-2 बार निकलेगी, लेकिन इतने बार निकल गए, अभी सही कराई थी। बट फिलहाल पहुंच गए, कुछ खाने का ऑर्डर कराया, मैगी और कुछ बन मक्खन, और खाते हैं एंजॉय करते हैं। बट यहाँ व्यू देखो, इतनी दूर हम आए हैं कम से कम 15-20 किलोमीटर और यहाँ इस तरह के व्यू के लिए खाने के लिए हम आए हैं, तो बस यही हमें चाहिए था। पहाड़ से ये कुछ इस तरह दिखता है, पीछे पहाड़, उधर दुकान, पहाड़ दुकान और जगह है दीपूदा मैगी एंड लेमन टी पॉइंट। तो भाई हमारा पहला आइटम आ गया खाने का, हमने मंगाई थी वेजिटेबल मैगी, और ये रहा हमारा दूसरा आइटम बन मक्खन ऑमलेट। फटाफट से चलते हैं घर की ओर, रास्ते में हमने एक जगह और देखी है, क्या पता वहां पे रुक जाए, बट अब फटाफट चलते हैं। तो गाइस इस समय आए इस जगह में, ये बिल्डिंग हमें मिली थी HMT की, एक बार हमको इसके अंदर जाके देखना था क्या था। थोड़ी सी ज्यादा फट भी रही है पता लगा, कोई चीज निकल गई ऐसी, तो बट हम एक बार जाके देखेंगे क्या है। अरे क्या है ये? कंकाल भाई, जानवर की हड्डियां, ये जानवर आने, शेर वेर की हड्डी यार, ये देखो गाइस अभी मिली है ये कंकाल की कुछ हड्डियां, ये देख सकते हो जानवरों की हड्डियां, भाई साहब जानवरों की हड्डियां। हमें क्या पता था ऐसा होगा कुछ, छूना छू दू क्या, क्या पड़ेगा? ओ भाई साहब पता नहीं किसी शेर या किसी बड़े जानवर की हड्डियां, पूरा कंकाल स्केलेटन सब पड़ा हुआ है यहाँ पे, इतनी बड़ी हड्डी होती है यार। एक और जगह है जिससे यहाँ से कुछ इस तरह व्यू दिखता है, सेकंड फ्लोर इस तरह है कुछ यहाँ का व्यू। यहाँ पे छत होगी बट छत है ही नहीं, हम छत के लाए थे खाली, यहाँ पे फ्लोर्स बना रखे और कुछ इस तरह है पीछे से यहाँ का व्यू। ये है टॉप का रास्ता, ये है नीचे का, हमको लगा कि यहाँ पे छत होगी, छत के लिए आए थे बट यहाँ पे छत हमें मिली नहीं। यहाँ से चलता है क्योंकि हमको यहाँ पे नहीं रुकना भाई, यहाँ पे कंकाल पड़े हुए है। हम ऐसे ही गए थे टॉप में कि हमने सोचा था हम यहाँ पे जाएंगे छत में, छत का रास्ता तो है नहीं, यहाँ पे कंकाल पड़े हुए, पता नहीं कौन से बड़े बड़े जानवरों का क्या क्या पड़ा हुआ है, पूरी हालत इनकी
कंडम हो चुकी है, खराब हो चुका है। हम यहाँ पे नहीं रुके, तेरे को लग रहा था यहाँ पे कंकाल होगा है? यहाँ पे कंकाल पड़ रहा था, फटाफट यहाँ से चलते क्योंकि घर वालों की भी कॉल आ रही है और हमें यहाँ पे अब रुकना ही नहीं है। सो गाइस फाइनली एट होम। बहुत टाइम लग गया पहुंचते पहुंचते, बट 3-4 घंटे के अंदर हम पहुंच गए। टोटल हमने आज पूरे दिन भर में 30 किलोमीटर ट्रेवल करा, 15 जाना 15 आना। बट एक जने ने मेरे को बहुत धोखा दिया, वो है ये साइकिल। इसमें मैंने कितना पैसा लगा के अभी हाल ही में सही कराई थी और सर्विस कराई थी, बट ये इतने बारिश की चेन निकल गई। मैं दिखाता हूँ, ये देखो मेरे हाथ, अभी तो मैंने धो लिया बट ये इतने गंदे हो गए थे, मतलब इसने बार बार चेन निकलते जा रही, कम से कम 10 से 11 बार चेन निकली है। तो इसने मतलब बहुत ज्यादा परेशान करा, बट फिर भी हमने जाके पहुंच के हम आ गए। सो एनीवे गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता है। होप यू पसंद आया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मेरे हाथ इस समय कुछ ऐसे दिख रहे हैं, अभी तो फिलहाल धो लिए तो थोड़े गोरे हो गए हैं, बट उस समय जब चेन निकल रही थी तब और ज्यादा काले थे।